एक दिवसीय दौरे के चलते केंद्रीय दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर को होने जा रहे मैच की तैयारियों को लेकर एनपीसीए और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, क्रिकेट के क्षेत्र में आखिरकार 14 साल बाद ग्वालियर का वनवास खत्म हो रहा है। लंबे समय से बंद पड़े क्रिकेट स्टेडियम के बाद नया स्टेडियम बनकर तैयार है। आज 30,000 की सिटिंग कैपेसिटी के साथ इसका उद्घाटन हो चुका है। आने वाले अक्टूबर में ग्वालियर में भारत बांग्लादेश के बीच T20 क्रिकेट मैच आयोजित होने वाला है, जिससे लेकर एनपीसीए और बीसीसीआई तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बार ग्वालियर क्रिकेट में इतिहास रचेगा, जो पिछले स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने दोबारा शतक मारकर रचा था। बैठक में मौजूद एनपीसीए के चेयरमैन अभिलाष खांडेकर ने कहा है कि जो बाउंड्री बॉल टूटी है वह भारी हिस्से की है, इससे स्टेडियम को कुछ दिक्कत नहीं है। मैदान को कवर करके रखा जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बीसीसीआई के क्यूरेटर भी 1-2 दिन में आने वाले हैं, वो पिच को देखेंगे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में ग्वालियर के बीएसएनएल दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने ऑफिस में वृक्षारोपण किया और कर्मचारियों को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलवाई। आज हमारी एक अच्छी बैठक हो गई है और मैच का आयोजन अच्छा हो, मैच ऐतिहासिक हो। 14 साल बाद ग्वालियर चंबल संभाग में एक क्रिकेट मैच का आयोजन होने जा रहा है। मैं कर रहा हूँ, हमारा नया स्टेडियम पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर एमपीसीए, जीडीसीए, स्थानीय प्रशासन मिलकर, जैसे सदैव पिछले 45 वर्षों में ग्वालियर में एक रोमांचक मैच रहा है और कई कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। उदाहरण के तौर पर पहला द्वितीय दशक वनडे में सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा ग्वालियर की भूमि में रचा गया था, और इस बार भी एक अच्छा मैच होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो मैच 6 तारीख को इंडिया बांग्लादेश T20 मैच होने जा रहा है, जिसकी आयोजन समिति की प्रथम बैठक आज यहाँ पर हुई, और उस प्रथम बैठक को की अध्यक्षता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने की, जो हमारे मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, मेयर, मंत्री लोग सब लोग मौजूद थे, और संबंधित लोगों को सबको हमने हमारा जो मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो प्लान है वो साझा किया, और उनसे ये अपेक्षा की कि ट्रैफिक की व्यवस्थाओं से लेके और बाकी सारी चीज़ों तक के लिए पुलिस की व्यवस्थाएं कैसी होंगी, टिकट व्यवस्था की, टिकट जैसे हम कल से ऑनलाइन बेचना शुरू कर रहे हैं तो उसमें किसी तरीके की गड़बड़ नहीं हो, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, और वहां पर जो स्टेडियम में जो लोगों की 6 तारीख को एंट्री होगी, क्योंकि मैच होगा 7 बजे शुरू, तो स्टेडियम जिस तरीके से बाहर की तरफ है तो 4-5 बजे से हम उसको खोल देंगे, 6:30 बजे तक सारे लोग अंदर आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से बहुत इजी सब लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। कि ऑलमोस्ट 14 इयर्स के बाद में यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने जा रहा है, और उसके संबंध में एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे दायित्व हैं, और उसके संबंध में आज बड़ी डिटेल चर्चा हो गई है। क्रिकेट स्टेडियम के जो रूट्स हैं उनका मैच के पहले प्रिपरेशन, पार्किंग एक बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए है, पास की जो व्यवस्था रहेगी अकॉर्डिंग टू द पास, कैसे हम लोग पार्किंग को लाइनअप करेंगे, टीम्स चूंकि मैचेस के पहले आ जाते हैं तो उनका प्रैक्टिस इत्यादि का मूवमेंट, उनका पूरा स्क्वाड सेफ्टी सिक्योरिटी की बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, इसके संबंध में आज हम लोगों की बड़ी डिटेल चर्चा हुई है, और कमिश्नर सर ने भी, IG सर ने भी अपने अपने पॉइंट्स हम लोगों के लिए साथ में रखे, और आज एक कोऑर्डिनेशन बेसिकली अच्छा हो गया है, और अब आगे से इसको डे टू डे बेसिस पे फॉलो अप किया जाएगा और सारी कार्रवाई पूरी